वेलकम बैक गाइस तो हम इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पढ़ रहे थे तो मैं आज उसका एक टाइप डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ आवर चिक कम फिश कल्चर तो ये हम पोल्ट्री कम फिश कल्चर के अंदर भी पढ़ते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिक कम फिश कल्चर तो इस तरह का कल्चर जिसमें हम चिक्स और फिश के कल्चर साथ में कर रहे हो द ड्रॉपिंग ऑफ द चिकन रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस विद फर्टिलाइज फिश पॉन्ड नो एडिशनल फर्टिलाइजर इज़ नीडेड तो इस तरह के कल्चर में हमें कोई भी एडिशनल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है ठीक है और जो चिकन्स की ड्रॉपिंग होती है वो न्यूट्रिएंट और फॉस्फोरस रिच होती है जो कि पॉन्ड के एनरिचमेंट में भी मदद करती है और इससे हमारा फिश का जो प्रोडक्शन है वो भी हाई होता है क्योंकि फिशेज़ को क्या होती है सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन मिल रही है और फूड सप्लीमेंट भी अच्छे से मिल रहा है इसीलिए फीड का प्रोडक्शन भी फिश का प्रोडक्शन भी अच्छा होता है नेक्स्ट हमारा पोल्ट्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड अबब द पॉन्ड और द इम्बैकमेंट हैंस नो एडिशनल लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ तो इस तरह के फार्मिंग में हमारा क्या होता है कि एक्स्ट्रा हमें लैंड की ज़रूरत नहीं होती है हम पोल्ट्री पौ, जो होता है हमारा या फिर चिक का जो सेल्टर होता है वो हम पॉन्ड के इम्बैकमेंट में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कोई भी एडिशनल लैंड की जरूरत हमें नहीं है और जो भी मैन्योर हमारा होता है चिक्स का वो सारा हमारा पॉन्ड में रिलीज होता है और पॉन्ड को न्यूट्रेंट रिच बनाता है सेव्स लेबर इन मैन्योरिंग एज द ड्रॉपिंग इंटर्स द पॉन्ड डायरेक्टली इफ द हाउस मेड अब द पॉन्ड तो जब हम हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं पॉन्ड के ऊपर तो वही जो ड्रॉपिंग होती है हमारी चिक्स की वो सारी कहाँ आती है डायरेक्टली पॉन्ड uh, में आती है और पॉन्ड को न्यूट्रेंट रिच बनाती है ठीक है द फीड सप्लाइड बाय द चिकन इंटर्स द पॉन्ड हैंस लेस नो सप्लीमेंट फीड रिक्वायर्स तो चिकन का जो भी ये होता है फीड होता है वो सारा कहाँ पे आता है पॉन्ड में आता है तो इसलिए हमें फ़िश के एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है पॉन्ड वाटर कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग द पोल्ट्री तो पॉन्ड का वाटर को हम पोल्ट्री को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल इनकम थ्रो द चिकन मीट एग तो जो चिकन होती है हमारी एग भी प्रोड्यूस करती है तो एग को सेल करके चिकन के मीट को सेल करके हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं तो so, इसमें हमारे मल्टीपल बेनिफिट्स हमें मिल जाता है द बर्ड आर देन कैप्ट ओवर द लीटर एंड अ स्पेस अबाउट जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फोर स्क्वायर मीटर पर बर्ड इज प्रोवाइडेड तो जीरो पॉइंट थ्री से लेके जीरो पॉइंट फोर स्क्वायर मीटर एरिया में हम एक बर्ड को रखते हैं ठीक है स्टॉकिंग ऑफ चिकन तो किस तरह का चिकेन स्टॉक करते हैं हम तो विच वाइट लेग हॉर्न और रॉडे आइसलैंड रेड प्रेफर्ड फॉर बेटर ग्रोथ एंड एग लेइंगी तो ये हमारी हेन की या फिर चिक की स्पीसीज uh, है जो कि हम स्टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ आवर लेग हॉर्न एंड रॉड ठीक है, है? Uh, इसका क्या होता है इसमें बेटर ग्रोथ देखने को मिलता है और एग लेंग कैपेसिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए इसको हम स्टॉकिंग में कंटेन करते हैं और टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड नंबर ऑफ पर हेक्टेयर फाउंड फॉर आइडियल तो टू हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड हेक्टेयर के एरिया में हम चिकन uh, को रखते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी कैन बी इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ फिश इंक्रीजेज इन द कल्चर पॉन्ड तो हम बर्ड uh, की या फिर चिकन की जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो भी हाई कर सकते हैं इफ़ हमारा जो फिश का कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है ठीक है स्टॉकिंग ऑफ फिश तो हमने स्टॉकिंग ऑफ बर्ड तो चिक तो देख लिया तो अब हम नेक्स्ट है स्टॉकिंग ऑफ फिश तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर हेक्टेयर फिशेस को रखा जाता है एक हेक्टेयर में सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिशेज की स्टॉकिंग की जाती है वुड बी ऑप्टिमम ठीक है फिश कैन स्टॉक इन अ फिंगर लिंक कंडीशन और मोर इन साइज तो फिश को हम किस कंडीशन में स्टॉक करते हैं फिंगर लिंक कंडीशन में ठीक है या फिर उससे बड़ी साइज की भी फिशेज को हम स्टॉक कर सकते हैं इट इज रिपोर्टेड दैट स्टॉकिंग फाइव थाउजेंड जाइंट प्राउन एंड फिफ्टीन हंड्रेड सिल्वर काप इन अ पर हेक्टेयर वन हेक्टेयर एरिया वन कैन हार्वेस्ट सिक्स हंड्रेड के जी प्राउन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ फिश इन अ फोर मंथ पीरियड फॉर दिस सिस्टम चिकेन यूज अबाउट टू फिफ्टी नंबर पर हेक्टेयर तो ऐसा देखा गया है कि जाइंट प्रोन की भी कल्चर साथ में की जाती है और सिल्वर काप की भी ठीक है एक हेक्टेयर लैंड में और सिक्स थाउजेंड के जी प्राउन और उस उसी इक्वल अमाउंट में भी फिश का जो ये हार्वेस्ट की की जाती है ठीक है फिश और प्राउन का जो नंबर होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है इन अ फोर मंथ पीरियड कितने मंथ के अंदर अंदर फोर मंथ के अंदर अंदर ठीक है इस तरह का फिश फार्मिंग में यूज की जाती है नेक्स्ट है हमारा ऑल्सो फॉम अनदर रिपोर्ट टेन हेक्टेयर फिश प्रोडक्शन कुड ऑप्टेन बाई तिलापिया कॉमन काप म्यूरल विथ टेन थाउजेंड फिंगरलिंग्स पर हेक्टेयर स्टॉकिंग इन अ चिक डेंसिटी अबाउट थ्री थाउजेंड हेक्टेयर तो हम तिलापिया कॉमन काप और नूरल को भी स्टॉक कर सकते हैं ठीक है टेन थाउजेंड फिंगरलिंग इसकी हम स्टॉक कर सकते हैं टेन हेक्टेयर एरिया में तो ये था हमारा पोल्ट्री कम फिश फार्मिंग ठीक है राइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे अगले टाइप को डिस्कस करेंगे बाय गाइज